आप देख रहे हैं एसटी न्यूज और एक नजर देश की बड़ी चार खबरों पर। अपील करने वाले 6 शिक्षा मित्रों को राहत। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2017 के परिणाम का इंतजार कर रहे 6 शिक्षा मित्रों को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इन्हें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इन शिक्षा मित्रों ने विशेष अपील दायर कर राहत मांगी थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सौरभ लवानिया ने अपने आदेश में साफ किया कि यह आदेश केवल 6 अपीलकर्ताओं के लिए ही है, इन्हें अस्थायी तौर पर परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार और परीक्षा प्राधिकारी उचित कदम उठाएं, लेकिन उनके परिणाम अभी जारी ना करें। परीक्षा में शामिल होने देने का निर्देश भी अस्थायी है और विशेष अपील पर अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अदालत ने कहा कि याची परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत चाहते हैं। प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है, वह मामले की अंतिम रूप में सुनवाई भी चाहती है। केवल मौजूदा अपील पर सुनवाई काफी नहीं है, एक अन्य अपील भी लंबित है। दूसरी ओर शिक्षा मित्र भी बोले, हम पास होंगे, सरकार ने नहीं किया आपत्ति। सहायक शिक्षकों ने 69,000 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी को परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी का टीईटी पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2017 के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इन 6 शिक्षा मित्र अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दावा किया कि अगर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मार्च 2018 के निर्णय के अनुसार टीईटी 2017 के परिणाम जारी होते हैं तो वे सभी पास घोषित होंगे। सुनवाई के दौरान इस तथ्य को प्रदेश सरकार की ओर से चुनौती नहीं दी गई है। इसे आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य योग्यता में शामिल है। अभ्यर्थी के पास होने के दावे पर सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है, ऐसे में सभी 6 को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। जेल में गुंडा राज। अतीक ने देवरिया जेल में 8 और की उधेड़ी चमड़ी। माफिया अतीक अहमद ने देवरिया जेल की बैरक नंबर 7 को यातना गृह में तब्दील कर दिया था। यह पर उसका दरबार भी सजाता था। इस यातना गृह में उसने 20 महीने में कई लोगों की चमड़ी उधेड़ी थी। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल ऐसे 8 लोगों को ढूंढ निकाला है जिन पर अतीक ने जुल्म ढाया था। पड़ताल में खुलासा हुआ कि जेल में अतीक के दरबार में उसके गुर्गे जेल कर्मियों की मिली भगत से बेरोक टोक आते जाते थे। पुलिस ने अतीक और देवरिया जेल में बंद उसके 4 गुर्गों को कोर्ट में तलब कराने के लिए भी वारंट जारी कराया है। माफिया अतीक अहमद के गोमती नगर के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में बंधक बनाकर पिटाई और कंपनी गुर्गों के नाम पर कराने के मामले की पड़ताल में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देवरिया जेल की बैरक नंबर 7 में 3 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2018 के बीच अतीक और उसके गुर्गों ने कई लोगों की चमड़ी उधेड़ी थी। जेल में उसके इशारे पर गुर्गों ने यातनाएं देकर रंगदारी वसूली और जमीन पर कब्जे किए। मोहित जायसवाल प्रकरण में फरार अतीक के बेटे उमर और गुर्गों की तलाश में छापेमारी के साथ क्राइम ब्रांच ने 8 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जिनकी देवरिया जेल की बैरक नंबर 7 में चमड़ी उधेड़ी गई थी। अतीक की दहशत के चलते इन लोगों ने पुलिस से शिकायत नहीं की। बुलंदशहर बवाल में 2 और नामजद ने किया सरेंडर। सियाना बवाल प्रकरण में 2 और नामजद आरोपियों चांदपुर पूठी गांव निवासी सतीश कुमार और महाप के रहने वाले विनीत कुमार ने बुधवार को सीजीएम की अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में अब तक 13 नामजद समेत 32 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। हालांकि बवाल
के एक माह बाद भी मुख्य आरोपी योगेश राज समेत 13 नामजद पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीते 3 दिसंबर को चिंगरावाटी चौकी क्षेत्र में गोकशी के बाद हुए बवाल में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में 27 नामजद और करीब 60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय है। मीटर लगवाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को अगले महीने मिलेगा 10% छूट का लाभ। फरवरी के बिल में समायोजित होगी छूट की रकम, 15 लाख उपभोक्ताओं को होगा फायदा। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा। इन उपभोक्ताओं के फरवरी के बिजली बिल में छूट की राशि समायोजित की जाएगी। इस मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व राज्य विद्युत नियामक आयोग के कड़े रुख को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने बुधवार को मीटर लगवाने वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को बिल में 10% की छूट देने का फरमान जारी कर दिया है। प्रदेश के लगभग 15 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। कार सेवकों पर गोली चलवाने के मामले में मुलायम को राहत। कार सेवकों पर वर्ष 1990 में गोली चलाने का आदेश देने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट भी याचिका को खारिज कर चुका है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने राणा संग्राम सिंह की विशेष अनुमति याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में 277 दिनों की देरी हुई। वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दायर याचिका में कहा गया था कि मुलायम ने 6 फरवरी 2014 को मैनपुरी में हुई जनसभा में कहा था कि उनके आदेश पर 1990 में पुलिस ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई थी। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।